हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द्यास कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक स्पेस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम कांटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम को प्रूफ करेंगे। देखिए, इस थ्योरम का जो प्रूफ है यह थोड़ा लंबा जाएगा, तो आप वीडियो पर बने रहें। यह वीडियो का लेंथ भी लंबा जाएगा और वीडियो का आप स्किप ना करें और सारे चीज़ को देखें। और अगर फिर भी अगर आपको डाउट रहता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके स्टेटमेंट को देख लेते हैं। और एक चीज़, स्टेटमेंट को देखने से पहले यहाँ पर आपको दो वर्ड मिलेगा। एक वर्ड मिलेगा आपको नेस्टेड सिक्वेंस का, नेस्टेड सिक्वेंस, और एक आपको मिलेगा कंप्लीट का, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, ठीक है। तो ये दो चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है और मैंने आपको वहां पर सीक्वेंस बता दिया है, लिमिट बता दिया, यानी सारा चीज, यानी इस थ्योरम में जितने भी काम आने वाले मतलब टर्म है, सारे टर्म को मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो आप पिछले वीडियो को देख लें तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट कहता है कि लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस, यानी एक्स डी हमारा कोई एक मैट्रिक स्पेस है, एंड लेट सीक्वेंस एफ एन बी ए नेस्टेड सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस एफ एन है हमारा, यह एक नेस्टेड सीक्वेंस है ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। सच दैट, जब नेस्टेड सीक्वेंस होता है ना, तो ये जो डायमीटर ऑफ एफ ऑफ एन होता हुआ जीरो पर टेंड करता है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसका जो डायमीटर होता है वह जीरो पर टेंड करता है। कैसे टेंड करता है, क्यों टेंड करता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो देख लें। देन एक्स इज कंप्लीट, हमारा तब क्या होगा, एक्स कंप्लीट होगा इफ एंड ओनली इफ, ये जो है ये आपका इफ एंड ओनली इफ है, यानी इस प्रकार का साइन है, बात समझ रहे हैं, यानी इस प्रकार का जब भी आपको कंडीशन दिया रहेगा तो आप का नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन हो गया। क्या कहता है पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। इंटरसेक्शन एन बराबर वन टू इन्फिनिटी एफ एन कंसिस्ट एग्जैक्टली वन पॉइंट, यह कंसिस्ट एग्जैक्टली वन पॉइंट को कंसिस्ट करेगा, ठीक है। देखिए इफ एंड ऑनली क्या है, हम लोग एक बार कंप्लीट लेके चलेंगे और इधर वाले को दिखाएंगे, फिर एक बार क्या करेंगे, इधर वाले को लेके चलेंगे और कंप्लीट दिखाएंगे, बात समझ रहे हैं। तो चलिए प्रूफ करते हैं। मैंने आपको पहले बताया है वीडियो का लेंथ लंबा होगा, आप वीडियो पर बने रहे। तो चलिए अब हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ सबसे पहले हम लोग करते हैं नेसेसरी कंडीशन या फिर नेसेसरी पार्ट का, नेसेसरी कंडीशन, या फिर आप इसको फर्स्ट पार्ट भी बोल सकते हैं, फर्स्ट पार्ट। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का यहाँ पर इफ एंड ऑनली इफ वाला कंडीशन है, तो यहाँ पर क्या है, एक्स इज कंप्लीट, यानी यहाँ पर हमारा जो मोटो है क्या है, एक्स इज कंप्लीट, एक्स इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ इंटरसेक्शन ऑफ एन बराबर वन टू इन्फिनिटी एफ एन कंसिस्ट ऑफ consist of exactly one point, यानी हम क्या करेंगे, देखिए नेसेसरी कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग एक्स को कंप्लीट लेके चलेंगे और इस चीज को हम लोग दिखा देंगे, यानी क्या दिखा देंगे, इंटरसेक्शन ऑफ एन बराबर वन टू इन्फिनिटी एफ एन कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली वन पॉइंट, यानी जो इंटरसेक्शन हमारे नेस्टेड सीक्वेंस का जो इंटरसेक्शन है वह एग्जैक्टली वन पॉइंट को ही कंसिस्ट करता है, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन में, सफिशियंट कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग इस पोर्शन को लेकर चलेंगे, यानी नेस्टेड सीक्वेंस के इंटरसेक्शन को लेकर चलेंगे और हम लोग एक्स को कंप्लीट दिखा देंगे, यानी हमारा ये वर्क रहेगा। अब देखिए आपका अप्रोच क्या होगा, यहाँ पर आप किस प्रकार के अप्रोच यहाँ पर लगाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्या बोलेंगे कि हम लोग लेके चलेंगे एक्स डी हमारा कोई एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, हम लोग क्या लेके चलेंगे कि एक्स डी हमारा क्या है, एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लेके चलेंगे कि ये जो एफ एन आप देख पा रहे हैं सीक्वेंस एफ एन, ये हमारे क्या है, एक नेस्टेड सीक्वेंस है, नेस्टेड सीक्वेंस है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब जानते हैं हम कि जब ये नेस्टेड सीक्वेंस है तो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, एफ एन प्लस वन सबसेट होगा एफ एन का, फर्स्ट कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि डायमीटर एफ एन जो होगा वह जीरो पर टेंड करेगा एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। और ये कैसा होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, आप देख लीजिए, आपको सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो दो चीजें, अब यहां से क्या करेंगे, हम लोग स्टेप वन का वर्क करेंगे,
स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग सीक्वेंस लेंगे एक्शन, और इस सीक्वेंस को हम लोग क्या दिखाएंगे, कोची सीक्वेंस दिखाएंगे, कोची सीक्वेंस। फिर हम लोग स्टेप टू में क्या वर्क करेंगे, स्टेप वन में होगा ये वर्क, स्टेप टू में हम क्या वर्क करेंगे, इसको कोची सीक्वेंस लिए, और हम जानते हैं कि जो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होता है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस तो हमको, हम तो शुरू से लेके ही चल रहे हैं, जो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होता है ना, उसका डेफिनेशन क्या होता है कि एवरी कोची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, जितने भी कोची सीक्वेंस होंगे अगर वो कन्वर्जेंट होते हैं तभी वो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होगा। तब बस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस का डेफिनेशन का यूज करेंगे, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस के डेफिनेशन का यूज करके हम लोग क्या दिखा देंगे, इंटरसेक्शन ऑफ एन बराबर वन टू इन्फिनिटी एफ एन कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली वन पॉइंट, बात समझ रहे हैं, उसके बाद हम लोग इस चीज को दिखा देंगे। हम जो ये जो चीज हम लोग दिखाएंगे ना, इसको हम लोग किस प्रकार से दिखाएंगे, हम लोग दो पॉइंट लेके चलेंगे, दो पॉइंट लेके चलेंगे, मान लीजिए कि हम लोग एक्स जीरो लेके चला और एक्स वाई जीरो, हम मान के चलेंगे कि दो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स जीरो और वाई जीरो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वहां पर हम दिखा देंगे कि दोनों बराबर है। अब जो दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है बल्कि ये एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, तब ना बराबर हुआ, बस यही हमारा प्रोसीजर है और यही हमारा नेसेसरी पार्ट का, मतलब पूरा हमको यही काम करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं, क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट लेट एक्स डी बी ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, बी ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, हमने क्या लेके चला कि लेट एक्स डी बी ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एंड लेट सीक्वेंस एफ एन बी ए नेस्टेड सीक्वेंस, नेस्टेड सीक्वेंस, और ये जो हमारा आप देख पा रहे हैं एफ एन, वो हमारे क्या है, एक नेस्टेड सीक्वेंस है, ठीक है, सच दैट, अगर ये नेस्टेड सीक्वेंस है तो कुछ तो होंगे, सच दैट क्या होगा, सच दैट हम इसको लिख सकते हैं कि एफ एन प्लस वन सबसेट होता है एफ एन का, एंड डायमीटर जो एफ एन होगा वो टेंड करेगा जीरो पर एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, आप समझ रहे हैं, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जो डायमीटर एफ एन होगा वो जीरो पर टेंड करेगा, ये हम लोग नेस्टेड सीक्वेंस के डेफिनेशन से जानते हैं। फिर हमको क्या करना होगा, देन वी हैव टू शो दैट, देन वी हैव टू शो दैट, उसके बाद हमको क्या दिखाना है, देन वी हैव टू शो दैट इंटरसेक्शन एन बराबर वन टू इन्फिनिटी एफ एन, ये चीज कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली वन पॉइंट, कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली वन पॉइंट, बात समझ रहे हैं, ये काम हमको करना है, बात समझ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर क्या शो करेंगे, हमने यहाँ पर एक्स डी को कंप्लीट मैट्रिक स्पेस मान के चला, और हम यहाँ पर देखेंगे जो एफ एन, एफ एन यानी क्या, नेस्टेड सीक्वेंस का जो इंटरसेक्शन है वह एक ही पॉइंट को एग्जिस्ट करता है, बात समझ गए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे करते हैं, यानी अब हम लोग काम करेंगे स्टेप वन, हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, स्टेप वन का वर्क करते हैं। स्टेप वन में हमने क्या बोला है कि हम लोग एक सीक्वेंस लेके चलेंगे और उस सीक्वेंस हम लोग को क्या दिखाना है, कोची सीक्वेंस दिखाएंगे उस सीक्वेंस को। तो चलिए हम लोग लेके चलते हैं कि लेट स्टेप वन, लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस इन एक्स, हमारा ये जो आप एक्शन देख रहे हैं यह इस एक्स का कोई एक सीक्वेंस है, सपोज दैट, सपोज दैट हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि जो x1 होगा वह f1 का एलिमेंट है, जो x2 है वह f2 का एलिमेंट है, और इस तरह से जो xn है हमारा वह fn का एलिमेंट है, दिख रहा है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो xn है वह हमारा fn का एलिमेंट है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, बात समझ रहे हैं, यहां तक हमने कर दिया। अब देखिए यहां पर हमको क्या दिया गया है, सिंस डायमीटर fn टेंड कर रहा है जीरो पर एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, बात समझ रहे हैं, तब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट का डेफिनेशन का यूज करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट, लिमिट का डेफिनेशन का यूज करेंगे, क्या होता है, फॉर गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, हमने कोई एक पॉजिटिव इंटीजर एम एम ले लिया,
देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m, ठीक है। हमने यहां से क्या किया, हमने एक पॉजिटिव इंटीजर m ले लिया, ठीक है। आप यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं, चलिए यहां तक सब ओके है, बाय डेफिनेशन ओनली फॉर गिवन देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, m सच दैट, यहां तक हमने कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन लिमिट का डेफिनेशन लगाएंगे, जो डेल्टा एफ एन है माइनस जीरो हो जाएगा, डेल्टा एफ एन माइनस जीरो मॉड के अंदर लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ये होता है लिमिट के डेफिनेशन से। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल्टा एफ एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एन ग्रेटर देन इक्वल एम है, यानी एन क्या है, एन जो है वो एम के एम से बड़ा है या फिर बराबर है। तो यहाँ पर जो डेल्टा एफ एन है इसके जगह पर हम एम भी पुट कर सकते हैं क्योंकि इक्वल है, तो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल, फॉर ऑल क्या हो जाएगा यहाँ से एन ग्रेटर देन इक्वल एम, बात समझ रहे हैं। ये एप्सिलॉन वन नहीं है बल्कि कॉमा है, ये हमारे क्या है, डेल्टा डेल्टा एफ एम लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर वन, बात समझ रहे हैं, इसको हमने क्या मान लिया इक्वेशन वन। तो आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लें फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। इसको हमने इक्वेशन नंबर वन मान लिया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस, देखिए हम लोग का जो एफ एन है, हम लोगों ने जो एफ एन मान के चला था, एफ एन हमारा क्या है, नेस्टेड सिक्वेंस है, एफ एन इज ए नेस्टेड सीक्वेंस, एफ एन हमारा क्या है, नेस्टेड सीक्वेंस है। तो नेस्टेड सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या कहता है कि जो एफ एन प्लस वन है वह सबसेट होगा एफ एन से, ठीक है। यानी यहाँ पर आपका एक ज़्यादा है, माने इस एन से ये आपका ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एफ एन आपका सबसेट हो जाएगा एफ एम का, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, देखिए इस चीज़ को अगर आप देखेंगे, हम शुरू से ही लेके चल रहे हैं कि n ग्रेटर देन इक्वल m है, जिस तरह यहाँ पर क्या है हमारा n प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल n होता है कि नहीं होता है, जाहिर सी बात होगा। यहाँ पर अगर आप n बराबर वन लेंगे तो ये होगा टू ग्रेटर देन इक्वल वन, जाहिर सी बात ये सही है। तो इस आधार से हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एफ एन सबसेट हो जाएगा एफ एम का, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पाए, समझा पाया कि नहीं मैं आपको, देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिए फिर से, नेस्टेड सीक्वेंस हमारे क्या होता है, देखिए एफ एन प्लस वन सबसेट होता है एफ एन का। तो यहाँ से हम देखेंगे कि एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल है एन का, है कि नहीं है। तो उसी तरह से हमारा जब वहाँ पर एन ग्रेटर देन इक्वल एम दिया है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि एफ एन सबसेट हो जाएगा एफ एम का, इस आधार से लिखा। जैसे ये हम लोग इन जनरल ये जो मैंने आपको बात किया उसके आधार से हमने लिखा। अगर मान लीजिए ना आप एन बराबर टू लेते हैं, एन बराबर टू लिया तो टू और वन यहाँ पर थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सही बात है। तो इसी आधार से हमने इसको भी यहाँ पर लिख दिया। अब ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा कि एफ एन हमारा एक नेस्टेड सिक्वेंस है, और नेस्टेड सिक्वेंस है इसीलिए हमने इस चीज़ को यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल एम, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई एक एलिमेंट लेंगे एफ एन का, एक्स एन, एक्स एन हमने कोई एक एलिमेंट लिया एफ एन का, और एफ एन सबसेट है हमारा एफ एम का। तो ये जो एक्स एन एलिमेंट है एफ एन का और एफ एन सबसेट है एफ एम का, तो एक्स एन एलिमेंट हो जाएगा हमारा एफ एम का। तो दिस इंप्लाई लिखेंगे कि एक्स एन एलिमेंट किसका हो जाएगा, एफ एम का, ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल एम, ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ डायमीटर, बाय डेफिनेशन ऑफ डायमीटर, डायमीटर of a set, of a set for any bounded set S, for any bounded set S। देखिए यहाँ तक आप समझ गए, जैसे हमारा एफ एन प्लस वन सबसेट होता है एफ एन का, उसी प्रकार एफ एन सबसेट हो गया एफ एम का। हमने एक एलिमेंट एक्स एन लिया एफ एन से, ठीक है, एक्स एन हमारा क्या है, एफ एन का एलिमेंट है, और एफ एन हमारा सबसेट है एफ एम का। तो ये जो एक्स एन होगा वह एफ एम का भी एलिमेंट होगा, ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ डायमीटर ऑफ ए सेट फॉर एनी बाउंडेड सेट एस, मतलब बाउंडेड सेट एस के लिए हम लोगों ने डायमीटर का डेफिनेशन यूज किया। तो डायमीटर का डेफिनेशन क्या होता है, जैसे एस हमारा क्या है, बाउंडेड सेट है, तो डायमीटर ऑफ एस जो होगा वह क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ, सुप्रीमम ऑफ डी ऑफ एक्स ओ आई सच दैट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एस, ये होता है डेफिनेशन, बात समझ रहे हैं। कोई बाउंडेड सेट एस के लिए डायमीटर का डेफिनेशन होता है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो जब देखिए हमारा जो डेल्टा एस है, मतलब डायमीटर एस जो है वो हमारा क्या है, सुप्रीमम है, सुप्रीमम है, तो सुप्रीमम है यानी अधिक है, अधिक होगा यानी डी ऑफ एक्स वाई से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो डी ऑफ एक्स ओ आई लेस देन इक्वल डायमीटर एस,
फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, समझ में आया कि नहीं आया। जो डायमीटर एस है वह सुप्रीमम वैल्यू है डी ऑफ एक्स वाई का। चलिए ना, जैसे मैं तो आपको बुलियन अलजेब्रा में बहुत बार इस चीज का जिक्र किया हूँ, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए कि जो आपने एन लिया, मान लीजिए आपके पास, छोड़िए, मान लीजिए एक वाई आपके पास सेट है और इसमें जो वैल्यू है क्या है, सुप्रीमम ऑफ वन टू थ्री है, तो इसका मान कितना आएगा, थ्री होगा, थ्री होगा कि नहीं होगा। अब ये जो ए है, ये ए है जो सेट ए है, सुप्रीमम ऑफ वन टू थ्री का वैल्यू कितना आएगा, थ्री। सुप्रीमम मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू थ्री आया। तो यहाँ से ए जो है ये इस तीन से या तो लेस देन या ग्रेटर देन, क्योंकि ए में एलिमेंट क्या क्या है, वन टू थ्री है, तो ये थ्री सबसे बड़ा है या फिर बराबर भी है, बात समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने इस चीज को यहाँ पर ऐसे लिख दिया और ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, ठीक है। ये ए नहीं लिखे आप, ए ना लिखे, क्योंकि सुप्रीमम ऑफ ए आपका है ना, तो यहाँ पर वन टू थ्री, वन टू थ्री, बात समझ रहे हैं। वन टू थ्री ग्रेट, वन टू थ्री लेस देन इक्वल थ्री, यानी यहाँ पर थ्री ज्यादा है या फिर बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने लिखा डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल डेल्टा एस। इस चीज को समझिए आप, ए बराबर मान लीजिए सुप्रीमम ऑफ वन टू थ्री है, तो यहाँ पे सुप्रीमम वैल्यू क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये वन टू थ्री से क्या है, ये थ्री क्या है, या तो ये वन टू थ्री से या तो बड़ा है थ्री या फिर बराबर है, बस समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको कर दिया। तो यहां से अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, ये तो एस सेट के लिए देख रहे हैं ना, लेकिन डेल्टा ये हमारा एस के लिए हम लोग नहीं देखना है, हमको डेल्टा एफ एम के लिए देखना है, यानी डायमीटर एफ एम के लिए हम देखेंगे, क्योंकि हमारा एस तो है नहीं, लेकिन ये होता है डेफिनेशन, उस आधार से हमने ये बात किया, ठीक है। तो हम लोग डायमीटर एफ एम देखेंगे, तो डायमीटर एफ एम देखेंगे तो यहाँ पर डी एक्स वाई रहेगा ही रहेगा आपका, ठीक है, जो लेस देन होगा डायमीटर एफ एन, हम यहाँ पर एफ एम के लिए देखेंगे एफ एम, बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, फॉर ऑल, जैसे हमारा यहाँ पे एस था, एस था तो हमने एलिमेंट कहाँ से लिया था, एक्स वाई एस से था, अब अभी हमारे यहाँ पे एफ एम है, तो एक्स वाई हमारे कहाँ से होगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ एम, बात समझ रहे हैं। एकदम सिंपल सिंपल आप समझते जाइए, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हमने लिख दिया, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपका जब एस था, ठीक है, तब आपने यहाँ पर एक्स वाई लिखा था, अब जब आपका यहाँ पर एफ एम है, एफ एम है कि नहीं है, देखिए एफ एम है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट हो गया ये एक्स एम हो जाएगा, वो एक्स एक्स एन वाई एम, ठीक है। ये आपका पहला वाला एन लिख दीजिए और दूसरा वाला आप एम लिख दीजिए, तो इस तरह से हमने लिख दिया, और लेस देन इक्वल डायमीटर एफ एम फॉर ऑल, फॉर ऑल एक्स एन वाई एम, एक्स एन वाई एम बिलोंग्स टू एफ एम से, मैं समझ रहे हैं। इस चीज को मैं मिटा देता हूं यहां से, अब देखिए आप यहां पर, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन वन वी गेट, अब हम लोग इक्वेशन वन जो यहां पर माने हैं इसका यूज करेंगे, डेल्टा एफ एम क्या है, लेस देन एप्सिलॉन एन, तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स एन वाई एम लेस देन इक्वल है, और डेल्टा एफ एम का वैल्यू क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, तो इस चीज को हम लोग लिख देंगे लेस देन एप्सिलॉन, बात समझ गए। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल एम, जो यहाँ पर हमारा है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल एम, इस प्रकार से हमने इस चीज को लिख दिया। यहाँ से हमको क्या हो गया, देखिए जो कॉची सिक्वेंस का डेफिनेशन होता है यही होता है, एक्स एन वाई एन लेस देन एप्सिलॉन होता है, कॉची सिक्वेंस जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है। तो ये हो गया, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि सीक्वेंस एक्शन जो है, सीक्वेंस एक्शन इज ए कॉची सीक्वेंस, सीक्वेंस एक्शन इज ए कॉची सीक्वेंस इन एक्स, यानी ये हमारा क्या हो गया, कॉची सीक्वेंस हो गया एक्स में, तो कॉची सीक्वेंस हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या इसको क्या करेंगे, अब ये कॉची सीक्वेंस हो गया, और कॉची सीक्वेंस क्या होता है हमारा, कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट एवरी, मतलब कॉची सीक्वेंस जितना भी होता है अगर वो कन्वर्जेंट हो तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस बोलेंगे। तो चलिए आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टेप वन में जैसे हमने दिखा दिया कि एक्शन इज ए कॉची सीक्वेंस इन एक्स, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर उतना नहीं करके डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं स्टेप टू में, स्टेप टू में क्या लिख देंगे कि सिंस एक्स डी इज ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, ठीक है। अब कंप्लीट मैट्रिक स्पेस अगर ये हो गया तो बाय डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस,
कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, तो मतलब कंप्लीट मैट्रिक स्पेस का अगर डेफिनेशन लगाया जाए तो क्या होता है कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्जेंट को सीजीटी आप लिख दीजिए, चलिए पूरा लिख देते हैं, तो आप एग्जाम में लिख दीजिएगा सीजीटी, चेक करने वाले को समझ में नहीं आएगा कन्वर्जेंट। ठीक है, सिंस एक्स डी इज ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, बाय डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तब क्या करेंगे हम लोग, क्या क्या, देयर एग्जिस्ट कोई एक पॉइंट लिया एक्स जीरो बिलोंग्स टू एक्स सी, ठीक है, सच दैट हम लोग मान के क्या चल रहे हैं कि जो एक्स एन सीक्वेंस हमारा है वह एक्स जीरो पर कन्वर्ज कर रहा है। बात समझ रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज एक्स एन कन्वर्जेज टू एक्स, कन्वर्जेज टू एक्स जीरो, एक्स जीरो पर कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, वी क्लेम दैट, यहां पर हम लोग क्या क्लेम कर रहे हैं, वी क्लेम दैट, हमने यहां पर क्लेम क्या किया कि एक्स जीरो जो है वह इंटरसेक्शन एन बराबर वन टू इंफिनिटी नेस्टेड सीक्वेंस एफ एन का एलिमेंट है। नाउ वी हैव टू शो दैट, नाउ वी हैव टू शो दैट, हम लोग अभी यहां पर क्या शो करेंगे कि जो n बराबर वन टू इन्फिनिटी fn जो है वह कंसिस्ट एग्जैक्टली वन पॉइंट, यानी ये वन पॉइंट को ही कंसिस्ट कर रहा है। तब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग यहां पर जैसे मैं आपको फिर समझा देता हूँ, हमने क्या लेके चला कि एक्सडी हमारे क्या है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। अब कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है तो बाय डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस का डेफिनेशन लगाया, एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, जितना भी कॉची सीक्वेंस होगा क्या होगा, कन्वर्जेंट होंगे। अब कन्वर्जेंट होंगे, हमने कोई एक्स जीरो एलिमेंट उठाया एक्स से और हमने बोल दिया कि जो ये सीक्वेंस हमारा एक्सन था वह कॉची सीक्वेंस था और वह जो कॉची सीक्वेंस एक्सन है वह कन्वर्ज कर रहा है किस पर, एक्स जीरो पर। ठीक है, क्योंकि कहते हैं एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो एक्शन हमारा कॉची सीक्वेंस दो कन्वर्जेंट होगा किसी न किसी पॉइंट पर, तो एक्स जीरो पर ये कन्वर्ज हो गया। हम लोग यहां पर क्लेम क्या कर रहे हैं कि एक्स जीरो है वह हमारा एफ एन का एलिमेंट है, एक्स जीरो बिलोंग्स टू एन बराबर वन इंटरसेक्शन एन बराबर वन टू इन्फिनिटी एफ एन, यहां पर आप एप्सिलॉन लिख लीजिएगा, छूट गया था। ठीक है, जो एक्स जीरो है वह एन बराबर वन टू इन्फिनिटी एफ एन का इंटरसेक्शन एन बराबर वन टू इन्फिनिटी एफ एन का एलिमेंट है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्या दिखाना है कि जो एफ एन है, इंटरसेक्शन एफ एन है, वह एग्जैक्टली वन पॉइंट को ही कंसिस्ट करता है, मतलब उसमें एक ही पॉइंट है। तब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, अभी हम लोग नहीं जानते हैं कितने पॉइंट को एग्जिस्ट करेगा, तब हम लोग यहां पर दो पॉइंट लेके चलेंगे, हम लोग मान के चलेंगे कि यहां पर दो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है और बाद में हम क्या प्रूव कर देंगे, दोनों पॉइंट को इक्वल दिखा देंगे, मतलब एक पॉइंट एक्स जीरो है वो तो रहेगा ही और एक पॉइंट हम लोग वाई जीरो लेके चलेंगे और दोनों इक्वल दिखा देंगे। दोनों इक्वल दिखाने का मतलब क्या, दोनों पॉइंट हमारे सेम है, सेम है मतलब क्या, दो पॉइंट नहीं है बल्कि यह एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए वही करेंगे, लेट एक्स जीरो वाई जीरो, एक्स जीरो वाई जीरो बी टू नेस्टेड पॉइंट, एक्स जीरो वाई जीरो क्या है, दो नेस्टेड पॉइंट है, दैट इज एक्स जीरो वाई जीरो बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन एन बराबर वन टू इन्फिनिटी एफ एन। बात समझ रहे हैं, या हमने कोई दो पॉइंट मान के चला। अब हमको यहां पर शो क्या करना है, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, हम लोग क्या शो करेंगे कि एक्स जीरो और वाई जीरो बल्कि दो पॉइंट नहीं है बल्कि दोनों समान पॉइंट ही है, मतलब एक ही पॉइंट है। ठीक है, हम क्या प्रूव करेंगे, एक्स जीरो बराबर वाई जीरो, तो चलिए प्रूव करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रूफ है, टेंशन ना लें, खाली आपको स्टेप वाइज ध्यान देना है। हम लोग यहाँ पर क्या मान के चले कि x0, y0 बिलोंग किस पर कर रहा है, नेस्टेड सीक्वेंस पर, यानी n बराबर 1 टू इन्फिनिटी fn पर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बिलोंग कर रहा है। तो जैसे अभी हम लोग डायमीटर का जो डेफिनेशन पढ़ा सेट का, तो उसके आधार से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जैसे x0 y0 इस पर बिलोंग कर रहा है, तो d ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो बिलोंग करेगा डायमीटर एफ एन पर। ये हमने कहां से बताया, बाय डेफिनेशन ऑफ डायमीटर, बाय डेफिनेशन ऑफ डायमीटर
ऑफ ए सेट, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया डायमीटर सेट का क्या डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो डी ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो बिलोंग किस पर करेगा, मतलब डायमीटर एपन पर, तो ठीक है। और सिंस हम जानते हैं क्या है कि जो डायमीटर एफएन है वह जीरो पर टेंड करता है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, ठीक है। अब अगर जीरो डायमीटर एफएन जीरो पर टेंड कर रहा है तो डायमीटर एफएन बराबर हम यहाँ से जीरो लिख सकते हैं, तो डी ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो बराबर क्या लिख सकते हैं, जीरो। और देखिए मैट्रिक स्पेस का एक प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक स्पेस लिख दीजिए, बाय प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक स्पेस क्या होता है, डी ऑफ एक्स वाई अगर आपका जीरो रहे तो इफ एंड ओनली इफ क्या होता है, एक्स बराबर आपका वाई होता है, तो डी ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो बराबर जीरो है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स जीरो बराबर वाई जीरो, इस प्रकार से हमने लिख दिया। और ये हमारा क्या है, दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट, दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट या फिर नेसेसरी पार्ट या फिर नेसेसरी कंडीशन जो आप बोले, एनसी मतलब नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट, इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूफ कर दिया। और हमने यहां पर दिखा दिया कि जो इंटरसेक्शन एन बराबर वन टू इन्फिनिटी एफ एन है यह कंसिस्ट एग्जैक्टली वन पॉइंट, यानी यहां पर केवल एक ही पॉइंट एग्जिस्ट हो रहा है। और अब हम लोग यहां पर जो सफिशियंट कंडीशन होगा, सफिशियंट कंडीशन उतना बड़ा नहीं है, उसमें हम लोग क्या लेके चलेंगे, हम लोग इसी चीज को लेके चलेंगे कि इसमें कंसिस्ट वन पॉइंट कंसिस्ट कर रहा है, और हम लोग दिखा देंगे एक्स हमारा क्या है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे, तो आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको फटाफट नोट कर लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग कंटर्स इंटरसेक्शन का जो कन्वर्ज पार्ट है यानी सफिशियंट कंडीशन जो है उसको हम लोग प्रूव करेंगे। नेसेसरी पार्ट में हमने क्या प्रूव किया था, एक्स को हमने कंप्लीट लेके चला था, एक्स को हमने कंप्लीट लेके चला था और हमने क्या दिखाया था, इंटरसेक्शन एन बराबर वन टू इन्फिनिटी एफ एन कंसिस्ट एग्जैक्टली वन पॉइंट, और यह जो वन पॉइंट को कंसिस्ट किया था वह हमारा था एक्स जीरो, था कि नहीं था। और अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को लेके चलेंगे और इधर हम दिखाएंगे एक्स हमारा क्या है, कंप्लीट है, बात समझ रहे हैं, यानी हम लोग अब उल्टा काम करेंगे, पहले हम एक्स को कंप्लीट लेके चले थे और इस चीज को दिखाया था, अब हम लोग इस चीज को लेके चलेंगे एक्स को दिखाएंगे कंप्लीट। तो वही हमने लिखा है कि वी एज्यूम दैट एफ एन मैं सिक्वेंस एफ एन बी ए नेस्टेड सिक्वेंस, ये जो सिक्वेंस एफ एन है ये हमारा क्या है, नेस्टेड सिक्वेंस है, ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स सच दैट जो डायमीटर एफ एन है वो जीरो पर टेंड कर रहा है एज एन टेंड टू इन्फिनिटी, ऑल्सो एन बराबर वन टू इन्फिनिटी एफ एन बराबर एक्स जीरो, क्योंकि यह एग्जैक्टली वन पॉइंट यानी एक्स जीरो पर ही तो कंसिस्ट किया था ना, तो यही चीज बोल रहा है। देन वी शैल शो दैट एक्स इज कंप्लीट, तब हमको यहाँ पर क्या दिखाना है कि हमारा जो एक्स है वह हमारा क्या है, कंप्लीट है। तो चलिए अब हम लोग इस चीज को दिखाते हैं, हम लोग क्या लेके चल रहे हैं कि लेट एक्स एन बी ए कॉची सिक्वेंस, बी ए कॉची सीक्वेंस, हमने क्या लेके चला कि हमने एक सीक्वेंस ले लिया एक्स एन जो हमारा क्या है, कॉची सीक्वेंस। और अगर आप देखेंगे ना कंप्लीट मैट्रिक स्पेस का डेफिनेशन, तो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस का डेफिनेशन क्या कहता है कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन एक्स इज कॉल्ड कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, बात समझ रहे हैं। अगर एवरी कॉची सीक्वेंस अगर हमारा कन्वर्जेंट हो जाता है तभी हम लोग एक्स को क्या बोलेंगे, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस बोलेंगे। तो हमने यहाँ पर एक्स एन को कॉची सीक्वेंस लेकर चला और इसी एक्स एन को हम कन्वर्जेंट दिखा देंगे, बस मेरा काम हो जाएगा। तो चलिए करते हैं लेट एक्शन बी कॉची सीक्वेंस, इस प्रकार से हमने लेके चला। अब हमने क्या किया, कुछ सेट कंसीडर कर रहे हैं, लेट एस वन हमने एक सेट बनाया जिसमें एलिमेंट कुछ इस प्रकार से है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एंड सो ऑन, इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है। अब जैसे एस वन आप देखेंगे तो एस वन जो है वो एक्स वन से स्टार्ट हो रहा था, तो एस टू जो होगा वह एक्स टू से स्टार्ट होगा, यानी एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव और इस तरह से चलेगा, ठीक है। उसी प्रकार एस थ्री हमने बनाया जैसे एस टू जो है उसमें हमारा एक्स टू से हो रहा था, एस वन जो है वो एक्स वन से हो रहा था, तो उसी प्रकार एस थ्री हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, एक्स थ्री से, एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एंड सो ऑन, इस प्रकार से चलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हम जो मतलब फाइनली जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एस एन, तो एस एन क्या हो जाएगा आपका, एक एक्स एन हो जाएगा, एक्स एन प्लस वन हो जाएगा, एक्स एन प्लस टू हो जाएगा एंड सो ऑन, इसे चलेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एंड सो ऑन, बात समझ रहे हैं। इस प्रकार से हमने काम किया। अब आप यहां पर अगर गौर करके देखेंगे तो आप देखिए यहां पर S1 का जो एलिमेंट है X1 को छोड़कर सारे एलिमेंट S2 पर है,
एस टू के एलिमेंट में से एक्स टू को छोड़ देते हैं तो एस टू के सारे एलिमेंट एस थ्री पर है, उसी प्रकार एस थ्री के अगर एक्स थ्री को छोड़ देते हैं तो सारे एलिमेंट एस फोर होंगे, और इसी प्रकार का प्रोसेस चलता जा रहा है। तो इस चीज़ को हमने यहाँ से इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, एंड सोन लिख दिए। अब हम देख रहे हैं कि सिंस एक्शन इज ए कॉची सिक्वेंस, एक्शन हमारे क्या है, एक कॉची सिक्वेंस है, कॉची सिक्वेंस है तो कॉची सिक्वेंस का डेफिनेशन लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं, हम क्या मतलब हम मान के चल सिंस हमने एक्शन को क्या मान के चला है, सिंस एक्स एन इज ए कॉची सीक्वेंस, एक्शन हमारा क्या है, एक कॉची सीक्वेंस है, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे बाय डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस के हम लोग डेफिनेशन का यहाँ पर यूज कर रहे हैं, क्या करेंगे, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम नॉट सच दैट, बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूजन होते हैं, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम नॉट, बहुत बच्चे बोलेंगे सर हम इसे लिखा हुआ देखे थे, कैसे देखे थे, देयर एग्जिस्ट ए एम नॉट बिलोंग्स टू एन, दिख रहा है ये, ठीक है। बहुत बच्चे बोलेंगे सर हमने ऐसा दिखा है एम नॉट बिलोंग्स टू एन, लेकिन आप ऐसा लिख रहे हैं देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम नॉट, बात समझ रहे हैं। तो भाई दोनों सेम है ना, पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या, उसमें खाली पॉजिटिव वाले नंबर आएंगे, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, वही तो हुआ हमारा नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर को ही तो हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, बात समझ रहे हैं। तो दोनों सेम चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको ये लिखा मिल गया फिर भी सही है, अगर ये लिखा मिला फिर भी सही है। तो सच दैट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉची सीक्वेंस का जो हम लोग का डेफिनेशन होता है उसको हम लोग यूज करेंगे, सच दैट डी एक्स एन कॉमा एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन कॉमा एम ग्रेटर देन इक्वल एम नॉट, बात समझ रहे हैं, कुछ नहीं किया हमने यहाँ पर, केवल कॉची सीक्वेंस का जो डेफिनेशन है उसके डेफिनेशन को हमने यहाँ पर यूज किया, ठीक है। इट फ्लोज दैट बात समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर हमारा हो जाए n greater than equal m not हो जाए तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अगर n greater than equal m not हो जाए तो डेल्टा एस एन जो होगा, डेल्टा एस एन यानी ये डेल्टा, ये जो एस एन है ना, यानी डायमीटर एस एन जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यह हमारा जो ये जो डेल्टा एस एन है, यह डेल्टा जो एस एन है हमारा, यह जीरो पर टेंड कर रहा है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, बात समझ रहे हैं, क्योंकि ये तो लिमिट का डायरेक्ट डेफिनेशन होता है, ये लिमिट का तो डायरेक्ट डेफिनेशन होता है ना, कि डेल्टा एस एन अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो डेल्टा एस एन जीरो पर टेंड कर रहा है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, बात समझ रहे हैं। ये क्या है, ये तो असल में लिमिट का तो खुद डेफिनेशन ही है, ये लिमिट का डेफिनेशन है, बात समझ रहे हैं। अगर इस प्रकार से हो एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम नॉट हो, दिस इंप्लाइज हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एस एन लेस देन एप्सिलॉन होगा और डेल्टा एस एन तब क्या होगा, जीरो पर टेंड करेगा एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, बात समझ रहे हैं। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है सबसेट का और सुपरसेट का, और दो चीज होता है, मैं आपको पहले दोनों चीज बता देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग यहीं पर इधर देख लेते हैं, इधर दिख रहा है ना, ठीक है। जैसे ए सबसेट ऑफ बी, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और इसी को हम लोग अगर इस प्रकार से लिख दें, मतलब पहले बी लिख दें, मतलब अगर ए सबसेट ऑफ बी हो जाए तब इस सबसेट को हम लोग ऐसे उल्टा करके लिख सकते हैं, इस प्रकार से इसको हम लोग बोलेंगे सबसेट, और इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो आप साइन देख रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे सुपरसेट, क्या बोलेंगे सुपरसेट। इसको क्या पढ़ेंगे, ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट ऑफ बी हो तब हम लोग बोलेंगे बी सुपरसेट होगा ए का, ठीक है। अगर ए सबसेट होता है बी का तो बी क्या होगा, सुपरसेट होगा ए का। ये हुआ एक और एक डेफिनेशन होता है, क्या होता है, देखिए जैसे ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, तो ए क्लोजर भी सबसेट हो जाएगा बी क्लोजर का, बात समझ रहे हैं। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अगर ये तो डेफिनेशन है, ए सबसेट होगा बी का तो बी सुपरसेट होगा ए का, और अगर ए सबसेट है बी का तो ए क्लोजर यानी ए बार सबसेट होगा बी बार यानी बी क्लोजर के, बात समझ रहे हैं। तो यही सब चीज का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने आपको बताया
कि S1 में X1 को अगर छोड़ देते हैं तो सारे एलिमेंट S2 पर है, उस तरह S2 में अगर X2 को छोड़ देते हैं तो सारे एलिमेंट S3 पर है, उसी तरह S3 में X3 को अगर छोड़ देते हैं तो सारे एलिमेंट S4 होंगे, इसी प्रकार का ये चलता जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं also we say that, also we सी दैट, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि S1 सुपर सेट होगा S2 का, ये सुपर सेट होगा S3 का, ये सुपर सेट होगा S4 का, एंड सो ऑन, ये सुपर सेट हो जाएगा Sn का। हमने ऐसा क्यों किया, आप सोच रहे होंगे हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा हमने इसीलिए किया है क्योंकि हमारा जो ये Sn है, ये जो Sn है ये हमारा क्या है, Sn हमारा क्या है, एक नेस्टेड सीक्वेंस है। Sn हमारे क्या है, नेस्टेड सीक्वेंस है। और नेस्टेड सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या कहता है, देखिए अगर Fn आपका अगर नेस्टेड सीक्वेंस है तो क्या मैंने आपको बताया था कि Fn plus 1 सबसेट होगा Fn का, होगा। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, इसी चीज को लिख सकते हैं कि Fn क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा Fn plus 1 का। क्या समझ रहे हैं, यानी पहले 1 फिर 2, तो उसी तरह क्या ना, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, क्योंकि n हो इधर n plus 1 है, तो इधर 1 लेंगे तो इधर 2 होगा, इधर 2 लेंगे तो इधर 3 होगा, इधर 3 लेंगे तो इधर 4 होगा, क्योंकि एक ज्यादा है, बात समझ रहे हैं। तो बस कुछ नहीं, नेस्टेड सीक्वेंस को हम लोग नेस्टेड सीक्वेंस की तरह हम लोग इसको बिहेवियर कराने के लिए इतना सारा कांड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख दिए, अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इस क्लोजर के प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि ए सबसेट अगर होता है बी का तो ए क्लोजर सबसेट होगा बी क्लोजर का, तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि बी क्लोजर सुपर सेट होगा ए क्लोजर की, बात समझ रहे हैं। अगर ए क्लोजर सबसेट होता है बी क्लोजर का तो बी क्लोजर क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा ए क्लोजर के, दिख रहा है, दिख रहा था ना पहले, ठीक है। तो ए जैसे ए क्लोजर सबसेट है बी क्लोजर का, तो बी क्लोजर सुपर सेट हो जाएगा ए क्लोजर के, तो उसी तरह लिख सकते हैं जैसे एस वन सुपर सेट है एस टू के, सुपर सेट है एस थ्री के, सुपर सेट है एस फोर के, एंड सो ऑन सुपर सेट है एस एन के। तो यहाँ पर जो क्लोजर होगा यानी एस वन का जो क्लोजर होगा वह सुपर सेट हो जाएगा एस टू क्लोजर के, ये सुपर सेट हो जाएगा एस थ्री क्लोजर के, ये सुपर हो जाएगा, ये सुपर सेट हो जाएगा एस फोर क्लोजर के, एंड सो ऑन, ये सुपर सेट हो जाएगा आपका एस एन क्लोजर के, ठीक। ये हमने कैसे लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होता है बाय प्रॉपर्टी ऑफ, बाय प्रॉपर्टी ऑफ, बाय प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर सेट, बाय प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर सेट, यानी अगर ए सबसेट है बी का तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए क्लोजर यानी ए बार यह भी सबसेट होगा बी बार यानी बी क्लोजर के, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना दूर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि S1 हमारा जो Sn है वह हमारा क्या हुआ, नेस्टेड सीक्वेंस हो गया। तो इस तरह से Sn बार भी हमारा क्या हो गया, नेस्टेड सीक्वेंस हो गया, यानी दोनों तो लगभग लगभग इक्वल का तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं अल्सो अल्सो इट इज ऑब्वियस दैट इट इज ऑब्वियस दैट तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Sn इक्वल टू डेल्टा Sn बार, बात समझ रहे हैं। तो चलिए आप पहले यहां तक फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, इसे यहां पर हमारा आ गया डेल्टा Sn बराबर डेल्टा Sn के ऊपर में जो बार है, ठीक है। यानी यहां से हमको क्या पता चल गया कि यह इसके बराबर आ गया, इसका मतलब हो कि जो Sn बार है वह भी हमारा एक नेस्टेड सिक्वेंस है। तो हम लोग यहां पर इसको लिख देंगे कि हिंस डेल्टा एस एन बार इज ए नेस्टेड सीक्वेंस, इज ए नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स, बात समझ रहे हैं, नॉन एम्प्टी क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ एक्स, यानी हमारा जो डेल्टा Sn बार है वह भी एक नेस्टेड सीक्वेंस हो गया। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, अगर नेस्टेड सीक्वेंस हो गया तो सच दैट क्या हो जाएगा कि डेल्टा Sn जो बार है वह भी हमारे जीरो पर टेंड करेगा एज n टेंड्स टू इंफिनिटी पर करेगा, जाहिर सी बात है क्योंकि नेस्टेड सीक्वेंस का तो डेफिनेशन ही होता है ये, ठीक है। तो हो गया, अब देखिए हमने क्या मान के चला था, वाई एजम्पशन By assumption of converge part, अभी जो हमने मान के चला था by assumption of converge part, हमने क्या मान के चला था, there exists unique point x0 belongs to x such that
देखिए हमने क्या अभी मान के चला था कि जिसे एक पॉइंट जो x0 है वह जिसे x का ही एलिमेंट है, तो वह जो होता है x0 हमारा क्या होता है, जो हमारा नेस्टेड, जो नेस्टेड सीक्वेंस है उसका इंटरसेक्शन जो है उसमें हमारा एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। बात समझ रहे हैं, ओनली वन एलिमेंट कंसिस्ट करता है। तो यहाँ पर x0 जैसे x0 बिलोंग्स टू x है, तो जो x0 होगा वह इस सिक्वेंस में भी ओनली अकेले बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे सच दैट x0 बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी, ये जो आपका नेस्टेड सीक्वेंस sn बार है। बात समझ रहे हैं, यह भी नेस्टेड सीक्वेंस है, सारे नेस्टेड सीक्वेंस में यही आपका प्रॉपर्टी होगा। fn में अगर ये प्रॉपर्टी है तो आपका sn में होगा, sn में अगर ये प्रॉपर्टी है तो sn बार में भी यही प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि सारे तो नेस्टेड सीक्वेंस है। तो यहाँ से हमने इस चीज को लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमको सिर्फ एक चीज दिखाना है कि नाउ वी शैल शो दैट, नाउ वी शैल सो दैट, नाउ वी शैल सो दैट। तो हम इस प्रकार से क्या दिखाएंगे, कोची सीक्वेंस एक्शन, कोची सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेज टू एक्स जीरो, यानी हमको यहां पर क्या प्रूव करना है, जो कोची सीक्वेंस एक्शन है वह एक्स जीरो पर कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये चीज हम दिखा देंगे तो हमारा थ्योरम मतलब फाइनल प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए हमको यहाँ पर क्या मिला है, सिंस डेल्टा एस एन बार टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन टेंस टू इन्फिनिटी पर एस एन बार जो है वह जीरो पर टेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया कि फॉर ऑल हमने दो एक मतलब फॉर ऑल एन क्या किया, लेस एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम नॉट, दिख रहा है ये। ठीक है, तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम नॉट किया। ठीक है, दिस इंप्लाइज क्या, क्या हमने दो एलिमेंट ले लिया एस एन और एस, सॉरी हमने क्या, देखिए एन ग्रेटर देन इक्वल एम नॉट लिया, दिस इंप्लाइज एक्स एन क्या लिया हमने, एक एक्स एन लिया और एक एक्स जीरो लिया, दो एलिमेंट ले लिया। जिस तरह से यहाँ पर एस एन के ऊपर बार था तो एन जो था वो ग्रेटर देन इक्वल टू हमने एम नॉट लिया, तो इस एन की जगह पे हमारा आ जाएगा एस एम नॉट बिलोंग, एस एम नॉट हो जाएगा, एस एम नॉट बार हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, क्यों हुआ, क्योंकि एन हमने एन क्या लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू एम नॉट लिया, तो एस एन बार जो है अब वो एस एन बार नहीं रहा, बल्कि ये जो एम नॉट है ये हमने एम नॉट एन की जगह पर रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमने कर दिया। दिस इंप्लाइज क्या होगा, अगर sn और x0 अगर sm0 के बारे में अगर बिलोंग करेगा, तो हमने आपको बताया है डायमीटर का जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पहले, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं d of xn, x0 less than epsilon, दिख रहा है। ठीक है, तो d of xn, x0 less than epsilon हो गया। तो यहां से हमको क्या पता चल गया कि यही तो आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस का यही तो आपका डेफिनेशन होता है, यानी xn क्या हुआ, x0 पर कन्वर्ज कर गया, hence एक्स एन कन्वर्जेज टू एक्स जीरो, यानी हमारा एक्शन जो है वह एक्स जीरो पर कन्वर्ज कर गया। बात समझ रहे हैं, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कंसिक्वेंटली, कंसिक्वेंटली एक्स इज कंप्लीट, और इस तरह से हमारा जो एक्स है वह क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और यही हमारा कंप्लीट प्रूफ है थ्योरम का। तो इसको हम लोग लिख देते हैं कहीं पर, ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं आपको लिख के समझा देता हूँ आपको, उसके बाद क्या लिखना है, यहाँ तक लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ द थ्योरम, दिस इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ द थ्योरम, यानी हम लोग का जो कंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम है यही इसका कंप्लीट प्रूफ है। अगर आपको एग्जाम में आए तो इस प्रकार का नहीं आता है, या तो आपको नेसेसरी पार्ट आएगा या फिर आपका सफिशियंट पार्ट आएगा। अगर आपका नेसेसरी पार्ट आता है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, और अगर सफिशिएंट पार्ट आते हैं फिर भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपको दोनों आ गया तो आपको इसमें टोटल 20 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो आप इसे कर लें, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें कॉमेंट करें, और आप चाहे तो हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, और इसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।